Hello friends, welcome to the new episode of Sports Talk with Abhishek Jha. Friends, Indian Super League में आज एक बहुत बड़ा मैच खेला गया और ये मैच खेला गया ATK बनाम जमशेदपुर FC के बीच में। ये मैच कोलकाता में खेला गया और अपने घर में खेलते हुए ATK की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया और इस मैच में जमशेदपुर FC की टीम को 2-1 से हरा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था और शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ा मैच खेला गया, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर टॉप 4 में जगह बनानी है, अगर नॉकआउट स्टेज में पहुँचना है तो दोनों ही टीमों को पता था कि इस मैच को जीतना उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और जैसे तैसे इस मैच को ATK की टीम ने जीतने में सफलता हासिल की। 2-1 से ये मैच जीत गए और इसी के साथ ही पॉइंट्स टेबल में तो बहुत ज्यादा कुछ फेरबदल देखने को नहीं मिला, लेकिन फिलहाल ATK की टीम अब छठे पायदान पर है। हालांकि मैच शुरू होने से पहले भी वो छठे पायदान पर थे, लेकिन तब उन्होंने 13 मैचेस खेले थे और तब उनके सिर्फ 17 पॉइंट्स थे, लेकिन अब 14 मैचेस खेल लिए हैं और 14 मैचेस के बाद उनके 20 पॉइंट्स हैं। वहीं जो पांचवें पायदान पर टीम है जमशेदपुर की टीम, वो भी मैच शुरू होने से पहले पांचवें पायदान पर ही थी, लेकिन जमशेदपुर FC की टीम ने अब तक 14 मैचेस खेले हैं और उनके भी सिर्फ 20 पॉइंट्स हैं। सिर्फ गोल डिफरेंस की वजह से फिलहाल जमशेदपुर FC की टीम जो है वो ATK से ऊपर चल रही है। और वहीं जो चौथे पायदान पर टीम है जो कि टॉप 4 में जो फिनिश कर रही है, वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम, जिन्होंने कि अब तक 14 मैचेस खेले हैं और उनके 23 पॉइंट्स हैं। यानी कि एक बात तो तय है कि कौन सी टीम नॉकआउट स्टेज में पहुंचेगी इंडियन सुपर लीग में, ये कहना अभी भी बहुत मुश्किल है और शायद इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लीग चल रहा है, आप सब एंजॉय कर सकते हैं। चलिए इस मैच को मैं एनालाइज करता हूं और बताता हूं कि इस मैच में हुआ क्या। जब ATK की टीम ने शुरुआत की थी तो उनका फॉर्मेशन था 4-3-3 के फॉर्मेशन के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। वहीं अगर मैं बात करूं कि जमशेदपुर FC की टीम ने शुरुआत की थी 4-2-3-1 के फॉर्मेशन के साथ और ये पहला मौका था ATK के लिए जब दो उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी यानी कि मैनुअल लेंजारोटे और ईटू गार्सिया एक साथ मैदान पर ATK के लिए खेल रहे थे और उनका जो कॉम्बिनेशन था वो देखने को मिला। मुकाबले के तीसरे मिनट में जब ईटू गार्सिया के पेस की वजह से पूरी तरीके से उनका जो डिफेंस लाइन था जमशेदपुर का वो पेनिट्रेट कर गया था और बिल्कुल गोल माउथ के सामने फाउल कर दिया गया था और सिर्फ तीसरे मिनट में ही फ्री किक दे दिया गया और उस फ्री किक को अपने लेफ्ट फुटर के जरिए शानदार तरीके से नियर पोस्ट पर उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और उस खिलाड़ी का नाम था मैनुअल लेंजारोटे। केरला के अगेंस्ट जो आखिरी मैच हुआ था उसमें वो नहीं खेले थे, लेकिन आज आते ही उन्होंने अपना असर दिखाया और बिल्कुल वैसा ही हुआ मुकाबले के 32वें मिनट में जब जो गेंद जो थी वो ATK की गोल पोस्ट की तरफ थी यानी कि ATK डिफेंस कर रही थी, वहां पर इंटरसेप्शन आया और वहां से गेंद लेकर भागे थे मैनुअल लेंजारोटे। पास किया था उन्होंने ईटू गार्सिया को, ईटू गार्सिया का एक बार फिर से पेस लगभग उन्होंने सबको बीट कर दिया था और वो डी के अंदर प्रवेश कर गए थे, लेकिन एक बार फिर से फाउल किया गया और एक बार फिर गोल माउथ के सामने से फ्री किक का मौका मिला मैनुअल लेंजारोटे को। एक बार फिर उन्होंने कोई गलती नहीं की, सुब्रतो पॉल को लगातार दूसरी बार इस मैच में उन्होंने बीट किया और दो लगातार बेहतरीन फ्री किक और ATK की टीम पहले हाफ में 2-0 से आगे। पहले हाफ में तो ऐसा लग रहा था कि जमशेदपुर की टीम बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही थी, हालांकि दूसरे हाफ में एक आध मौके बने जब जमशेदपुर के पास जेरी के पास एक बहुत अच्छा मौका मिला था और उन्होंने शॉट भी लिया था, लेकिन क्रॉस बार पर गेंद लगकर वापस आ गई। हालांकि 82वें मिनट में जब एक क्रॉस आया था उस पर मारियो ने बहुत अच्छा हेडर किया और वहां पर एक गोल जरूर करने में जमशेदपुर की टीम सफल रही और जैसे तैसे स्कोर लाइन को 2-1 पर ला दिया था, लेकिन उसके बाद से उनको कोई मौका मिला नहीं। बहुत ही ज्यादा आखिरी के मिनटों में डीप डिफेंस करने लग गई थी ATK की टीम, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स निकाल लिए। इस मैच को अगर मैं स्टैट के थ्रू आपको बताऊं तो जिस तरीके से ATK की टीम ने इस मैच में परफॉर्मेंस किया उस लिहाज से टोटल जो शॉट लिए थे ATK की टीम ने वो थे 6, जिसमें से शॉट ऑन टारगेट 3 थे, कंपेयर टू जमशेदपुर की टीम ने 11 शॉट लिए थे और उनके शॉट ऑन टारगेट 2 थे। पोजीशन की बात की जाए
तो जमशेदपुर की टीम के पास पोजीशन था 55%, वहीं 45% का जो पोजीशन था वो एटीके की टीम के पास था, लेकिन एटीके की टीम इस मैच को जीतने में सफल हो गई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के लिहाज से अब 20 पॉइंट हो गए हैं एटीके के पास भी और दो बार की चैंपियन है वो इंडियन सुपर लीग की, तो ऐसे में उनका पॉइंट्स टेबल में बने रहना, नॉकआउट स्टेज के लिए बार बार नॉक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर मेरे एनालिसिस आपको पसंद आए हो, अगर मेरे बात करने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। गुड नाइट।